Good day, friend. This is Mohan Bilay. Welcome you all to have good day. हम प्रदर्शन के दरवाजे पर हैं। आइए इस प्रदर्शन के अनूठे अनुभव का पता लगाएं। आओ इस रजिस्ट्रेशन काउंटर पर प्रदर्शन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी पूछेंगे। हेलो, बिजनेस कार्ड के लिए आप एंट्री ऐसे फ्री देते हैं क्या? यस सर। Do you charge entry fee for this? No, it's a free. How many days are this? 3 days. 9 days. Okay. We start from the morning. What time? Yeah. 9. 9. Up to? Up to 6:30. Okay. Yeah. Thank you very much. I hope people will enjoy it. Yeah. They will enjoy. Exhibition. Thank you. इस प्रवेश द्वार से हम लोग एंट्री करेंगे और आप देख लो कितनी क्राउड है। अब ये मॉडल आपको अलग अलग स्टाइल से विद ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम आपको मॉडलिंग कर रही है। देखो, आप इसके फोटोग्राफ ले सकते हो, आपकी वीडियो ले सकते हो उसके, तो वो भी एक फोटोग्राफर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। उसके कॉस्ट्यूम आपको पसंद आए कि नहीं, इसकी ज्वेलरी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लें। यह सेक्शन में आपको फोटो के लिए अलग अलग डिजाइन के फ्रेम मिल जाएंगे।
6। ये सिनेमा लाइन कैमरा है। इसके पहले हमारे पास कुछ कैमरा होते थे सिनेमा लाइन, जिसमें FS5 FS7 मार्क टू कैमरा थे, और ये उसके आगे की रेंज का कैमरा है। पहले जितने कैमरे थे FS5 और FS7 ये सुपर 35 के रेंज में आते थे, और अब ये सिनेमा लाइन में दो कैमरे इंट्रोड्यूस किया है, एक है FX3 और ये है FX6। ये जो कैमरा है FX6 है, इस कैमरे की खूबियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इस कैमरे की जो खूबी है वो ये है कि ये इसको जो ग्रिप है वो रोटेट होती है। आप 180 डिग्री पर अगर कुछ शूट करना चाहो, जैसे आप हाई एंगल से शूट कर रहे हो और अगर आपको टेली शॉट लेना है तो आप आसानी से ये शॉट आप ले सकते हो जिस तरह से। और इस कैमरे में जो मेन खासियत है कि कोई भी फिल्म मेकर है, अगर हम कैमरा चूज़ करते हैं तो कैमरे का जो मेन खूबी होनी चाहिए वो कि लो लाइट में कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये पहला ऐसा कैमरा है वर्ल्ड का जिसमें नेटिव ISO का जो रेंज है वो काफ़ी बढ़िया दिया है। कई ऐसे कैमरा है जिसमें नेटिव ISO तो होता है ड्यूल में, बट इसका जो ड्यूल नेटिव ISO है वो काफ़ी बढ़िया है। इसमें बेस आया जो है वो 800 है, फिर दूसरा जो नेटिव ISO है वो है 12800। उसके साथ साथ कैमरे में सिनेमा कैमरा 4K शूट करता है, जिसमें इसका रिजोल्यूशन आता है वीडियो का वो है 4096x2160। इसमें ओपन गेट का फॉइल फॉर्मेट बनता है जिसको हम कहते हैं 17:9, तो वो एस्पेक्ट रेशो इसमें मैच करेगा। इसके अलावा कैमरे में QFHD जिसको हम अल्ट्रा 4K कहते हैं, इसमें अल्ट्रा 4K में कैमरा जो रिकॉर्डिंग का जो फाइल फॉर्मेट है, रिकॉर्डिंग का जो फ्रेम्स पर सेकेंड है वो है 120 फ्रेम्स पर सेकेंड 4K में। इसके साथ साथ अगर आप फुल HD में शूट करना चाहो स्लो मोशन, तो इसकी फ्रेम रेट जो है वो है 240 फ्रेम्स पर सेकेंड। कैमरे में जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री या ड्रामा की, तो कई बार हम ऐसे कई सारे सीन होते हैं जहाँ पर आपको आउटडोर शूट करना होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करते हैं कि कैमरे के ऊपर अलग से एक मैट बॉक्स बनाकर जो स्क्वायर इंच के जो ND फिल्टर है उसको अटैच करते हैं। बट इस कैमरे में उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैमरे के अंदर खुद का ऑप्टिकल ND फिल्टर है। तो ये रहा इसका ऑप्टिकल ND फिल्टर। तो ऑप्टिकल ND फिल्टर जो है इसका, अगर हम आमतौर पर देखेंगे तो ND में हमेशा लिमिटेड चॉइस आती थी, जैसे ND 4, 8, 16, 32 या 64, बीच का अगर ND आपको वेरिएशन में चाहिए तो नहीं मिलता। तो इस कैमरे में जो है ND फिल्टर जो है वो आपको वेरिएशन में मिलता है। जैसे आप वापस देख रहे हैं ये धूप में हम शूट कर रहे हैं, तो ND ये ऑप्टिकल ND शुरू होता है और इसमें आपको वेरिएबल स्टॉप होता है। ये कैसे काम करता है, जैसे सर्कुलर पोलराइजर काम करता है CPL, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये मिलता है स्टेप वेरिएशन का, तो ये 4 से लेके 1/128 तक आपके पास ND फिल्टर्स की वेरिएशन अवेलेबल है। तो जितना चाहे तेज़ लाइट हो उसके बावजूद भी आप आसानी से आपको जो फ्रेम में कैप्चर करना है, जो सीन चाहिए आपको, वो आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। सबसे लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसकी कॉस्ट क्या है अप्रॉक्सीमेटली? MRP है वो है 6 लाख के आसपास इसकी MRP है, 599,990 इसकी MRP है। इस कॉस्ट में कैमरे का हैंडल ग्रिप, ऊपर ये ग्रिप और इसके LCD और इसके साथ एक व्यूफाइंडर भी साथ में आता है, और ये हैंडल भी उसके साथ ही आता है हैंडल। इस हैंडल की खूबी है कि इसके अंदर आप दो XLR माउंट की जो माइक होते हैं फैंटम पावर या आप वायरलेस माइक मैपल माइक यूज़ करना चाहो तो इसमें आप दो XLR यूज़ कर सकते हैं, लाइन 1 लाइन 2। इसके अलावा ये पहला कैमरा है जिसमें फुल फ्रेम का रेंज दिया है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था नेटिव ISO जो है इसका 800 से 12800 तक इसका नेटिव ISO है। कैमरे के जो आउट है, दो प्रकार के आउट है इसमें, HDMI आउट और SDI आउट। तो अगर आप रॉ रिकॉर्ड करना चाह रहे हो कैमरे में तो आप HDMI इसके साथ साथ SDI से भी आप रॉ निकाल सकते हो एक्सटर्नल रिकॉर्डर के थ्रू। जो आउटपुट निकलता है रॉ का वो है 16-bit रॉ। इंटरनली कैमरे में जो इसका फाइल फॉर्मेट है कलर सैम्पलिंग वो है 4:2:10 bit। और जैसे आप ये देख रहे हैं, मान के चलो कई बार होता क्या है कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है सर, अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना, तो जैसे हम कोई तरह से रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ समय बाद वो रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करी, अब मैंने फ्रेम में रिकॉर्डिंग शुरू की है, तो जो मेरे फ्रेम के पहले चला गया वो मिस हो गया, तो वो फ्रेम वापस आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। आप कभी कई बार आप कंट्रोल जब आपके हाथ में है तब आप कई सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस कैमरा में
बेहतरीन ऑप्शन है जो आपकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और कैमरे में किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर भी वो कैमरे में दिखेगा कैसे? तो कैमरे में प्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है जिसमें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 31 सेकेंड का ऑप्शन है प्री रिकॉर्डिंग का। थैंक यू, दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट। और ये नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा भी है। कैमरा में आप 600 Mbps तक का फाइल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके सर, इसके लिए नया कार्ड इंट्रोड्यूस किया CF Express A-Tech। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, हाईली अप्रिशिएटेड योर इंफॉर्मेशन।